Assalamualaikum, I'm your chef Shahina Shumail and you're watching Cooking with China. आप देखें Cooking with China और आज बन रही है बहुत मज़ेदार सी यहाँ पे रेसिपी बन रही है. और सबसे पहले तो आज जो रेसिपी बन रही है उसका मैं नाम बता दूँ. जी जनाब, तो यहाँ पे ग्रिल चिकन बन रही है, उसको हम सर्व करेंगे वाइट सॉस के साथ. और साथ साथ मैंने उसमें एक वेरिएशन की है, तो मैं वाइट सॉस के साथ स्पेगेटी को भी सर्व करूँगी. तो आज जो बन रही है कम्प्लीट मील बन रहा है और बहुत मज़ेदार बनती है रेसिपी. ज़रूर ट्राई करनी है आपने इस रेसिपी को. और साथ साथ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं जी बैक्सन कुकवेयर के कुकवेयर्स मौजूद हैं. इनका प्रेशर कुकर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रेशर कुकर इनका रखा हुआ है. इसके डिफरेंट जो डिज़ाइंस भी हैं और डिफरेंट साइजेस भी हैं, 3 लीटर 6 लीटर 9 लीटर के इनके साइजेस हैं. साथ साथ इनके मिल्क पैन्स मौजूद हैं. इसके अलावा इनके वॉक्स मौजूद हैं, इनकी कढ़ाइयाँ मौजूद हैं, इनके फ्राइंग पैन्स होते हैं, इनके डीप फ्राइंग पैन्स होते हैं. और हमारी स्क्रीन पर चल रही है इनकी वेबसाइट www.baxancookware के नाम से, वहाँ जाकर आप एड टू कार्ट कर सकते हैं. ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी फ्री डिलीवरी है. और साथ साथ ना सिर्फ इनके बर्तन पाकिस्तान में सेल होते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के इनके बर्तन हैं. पूरे वर्ल्ड में इनके बर्तन सेल होते हैं. प्योर अल्मोनियम के हैवी गेज के बर्तन हैं, हर साइज़ इसमें मौजूद है. स्मॉल से लेके मीडियम लार्ज एक्सेल आप कमर्शियली भी इनके बर्तन यूज़ कर सकते हैं. और इसके साथ ही साथ हमारे साथ जो दूसरा ब्रांड मौजूद है जी जनाब, तो यहाँ पर क्रूसिबल किचन के जो है वो आयरन के डाई कास्ट बर्तन मौजूद हैं यहाँ पर. और इनके होते हैं सिज़लर. सिज़लर्स में इनके बहुत सारे डिज़ाइन हैं. ओवल सिज़लर है इनका, राउंड सिज़लर है इनके जो है वो. अच्छा, सबसे बड़ी बात जैसे इनका ग्रिल पैन है तो ग्रिलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है ये. और साथ साथ अगर मैं बात करूँ इनका स्किलेट है जिसमें अभी मैं यहाँ पर सॉस बनाऊँगी, साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि कौन कौन से इनके बर्तन हैं. कुछ हमारी स्क्रीन पे इनकी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं. इनकी डिलीवरी की सहूलत मौजूद है. और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो इनके बर्तन होते हैं ये फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग, हॉट सर्विंग, यानी कि सॉसेस बना के हॉट हॉट सी आपने उसके अंदर सर्व करनी है, खाने बनाने. जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली रेसिपी में दिखाया और आज की रेसिपी में दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इनके बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं और कितने फ़ायदेमंद बर्तन हैं ये. अगर बात करी जाए कि आयरन की, तो इसके जो खाना बनाने में जो है वो इसके आयरन के बने हुए हैं, क्योंकि खाना बनाने में से फूड के अंदर आयरन के पार्टिकल्स जो है वो इनरोल्ड हो जाते हैं और उससे आपके जिस्म में आयरन की कमी नहीं होती है. और दूसरी बात यह है कि इनके जो बर्तन हैं इनकी 5 ईयर्स की वारंटी है, यानी कि 5 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं. और इनकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस मैं बता दूं आपको. वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जी, अगर आपने हल्का फुल्का से कोई खाना बनाया तो आप वेट क्लोथ लें, गीला कपड़ा लें, टॉवल उससे साफ़ करें, उसके बाद ड्राई टॉवल से साफ़ करके उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर दें हल्का सा, सिर्फ जैसे जस्ट फॉर ग्रीसिंग. ग्रीस करके इसको आप बर्तनों को सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं. ये बर्तन अगर आप इस तरह की वॉशिंग इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखेंगे तो ये 18 से 20 साल भी ख़राब नहीं होंगे, यानी कि ये लाइफ टाइम गारंटी वाले बर्तन हैं. लेकिन 5 ईयर्स की जो वारंटी है इनके अपने वहाँ से मिली हुई है क्रूसिबल किचन की तरफ से आप लोगों को. और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि क्रूसिबल किचन के जो जितने भी कुकवेयर मौजूद हैं जिसमें हम इसको हम बेक भी कर सकते हैं इन बर्तनों को, जो सिज़लर्स होते हैं उसके आप ये वाले गैस स्टोव पे भी रख सकते हैं, आप ओवन में भी रख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी गैस का जो इशू है उसमें आप जो उसमें जो हॉट प्लेट्स आ रही हैं इलेक्ट्रिक वाली, इलेक्ट्रिक जो चूल्हे होते हैं स्टोव होते हैं आप उस पर भी रख सकते हैं. चले आ जाते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब. यहाँ मेरे पास रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं. ग्रिल चिकन है तो सबसे पहले ये मेरे पास चिकन फ्लेक्स मौजूद है और इसको मैंने कट किया हुआ है, एक चेस्ट पीस लिया उसको कट किया हुआ था. इसको हम ग्रिल करेंगे, पहले मैरिनेशन होती है ग्रिल चिकन की. साथ साथ जो है वो यहाँ पर बटर मौजूद है 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 2 टेबल स्पून है, सॉल्ट है मेरे पास, ये आप अपने टेस्ट के और अपनी सेहत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे. इसके साथ ही साथ मेरे पास फ्रेश क्रीम मौजूद है 3 टेबल स्पून, चैडर चीज़ मौजूद है मेरे पास 2 टेबल स्पून अराउंड होगी, और साथ साथ गार्लिक पाउडर है. इसके अलावा मेरे पास क्रश चिली है, ओरिगानो है, सिरका है और जायफल एंड जवित्री है. प्याज मौजूद है, कैप्सिकम मौजूद है, शिमला मिर्च, टमाटर मौजूद है और कुछ गार्लिक के जो है वो क्लोव्स मौजूद हैं, लहसुन मौजूद है, साथ साथ है स्पैगेटी. अच्छा, आप देख रहे होंगे कि आज चूल्हा पहले से जल रहा है तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है, तो हमें क्या करना होता है इसमें बॉयल करनी है स्पैगेटी को. और यहाँ पर मैं स्टोव को थोड़ा सा लो करके, क्योंकि पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है, और मैं इसे ब्रेक करे बगैर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ. जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा ये अपनी जगह बना देगी, आपको उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है. हम इसको देखें इस तरह से सेट कर रहे हैं, ये देखें ये इस तरह से अपनी, बस आप इसको फ्लेम की जो लौ होती है उससे दूर रखें.
अच्छा, स्पेगेटी बॉयल करते हुए बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि स्पेगेटी बॉयल करने का परफेक्ट टाइम क्या होता है। तो परफेक्ट टाइम 7 मिनट्स होते हैं, लेकिन हर ब्रांड की स्पेगेटी अलग होती है। कोई 6 मिनट में बॉयल हो जाती है, कोई 9 मिनट्स भी लेती है। तो आपने 6 मिनट बाद यानी कि आपने चेक करना है, ठीक है। और 7 मिनट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड टाइम होता है। और सबसे बड़ी बात कि स्पेगेटी कब फुल डन हो जाएगी वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी स्पेगेटी आपस में चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, तो उनका भी मेरे पास हल मौजूद है। आप क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर दें, जस्ट फॉर फ्यू ड्रॉप्स आई एम गोना ऐड दिस। इसके साथ ही साथ हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और सॉल्ट आप हमेशा, मैंने आपको बताया कि अपने सेहत के और अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, तो यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। चलें जी, सॉल्ट मैंने ऐड कर लिया है। चिकन को हमने करना है मैरिनेट, तो चिकन की मैरिनेशन बना लेते हैं हम। अच्छा जी, स्पेगेटी यहाँ पर हमारी बॉयल होने रखी हुई है, और साथ साथ मुझे मैरिनेशन बनानी थी चिकन की। तो यहाँ चिकन ब्रेस्ट मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 300 ग्राम इसका वेट है, और उस हिसाब से हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जाता है इसमें मस्टर्ड पेस्ट, जब भी चिकन मैरिनेट होती है मस्टर्ड के साथ मैरिनेट होती है। ये चला गया है इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट, साथ साथ पिंच ऑफ सॉल्ट, ओरिगानो, ब्लैक पेपर पाउडर, लहसुन का पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो मैंने यहाँ पर विनीगर लिया है, ठीक है। विनीगर लिया है मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, और हम इसमें फ्रेश गार्लिक ऐड करेंगे। चलो जी, ये हमने मैरिनेशन तकरीबन बना ली है इसकी। गार्लिक को कट करेंगे, चलें जी, गार्लिक यहाँ पर हमने चॉप कर लिया है, और ये गार्लिक भी मैंने इसमें ऐड किया है तमाम के तमाम। अब इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है, और इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 1/2 आवर, और हमारे पास टाइम नहीं होता, हम साथ साथ करेंगे। अच्छा, जो चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं ना, ऊपर से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैरिनेशन बना लेते हैं, उसके बाद उसमें आप इस तरह से करके फ्लेज ऐड करते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मैरिनेशन सारी चीज़ें आपने एक साथ पहले बना ली, जो जो मैंने डाली हैं मैं आपको रिपीट भी कर देती हूँ। मैरिनेशन अच्छा, बेसिक मैरिनेशन यही होती है। इसके अंदर आप चाहें तो कोई टिक्का, अगर आप लोगों ने टिक्के का मसाला ऐड करना है आप टिक्के का मसाला ऐड कर लें। इसके अंदर आप तंदूरी मसाला ऐड करना है तो आप तंदूरी मसाला ऐड कर दें। तो इसमें आप फ्लेवर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें टिक्के का मसाला ऐड करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसको जस्ट मैरिनेट करके मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। इतनी मैरिनेशन देखें इनाफ थी। अब मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ली हैं और कितनी कितनी ली हैं। सबसे पहले मैंने लिया इसके अंदर अराउंड 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून विनीगर, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ओरिगानो लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून लिया मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट लिया है मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर गार्लिक ऐड करा है, और गार्लिक का ही पाउडर ऐड करा है। गार्लिक का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 टीस्पून, और इसके अंदर फ्रेश गार्लिक के मैंने तीन चार तो नहीं कहेंगे, तकरीबन मैंने 1 से 2 जो है ना मैंने इसके अंदर क्लोव्स ऐड करें,
ठीक है, अगर हम उसको उसमें स्पून से नापें तो हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये देखें इतनी मैरिनेशन इनाफ थी इस चिकन के लिए, इसमें चिकन पूरी मैरिनेट हो गए। इफ़ अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई टिक्के का फ्लेवर देना है, कोई तंदूरी फ्लेवर देना है, कोई अपना कोई क्रिएट करा हुआ ओन क्रिएट करा हुआ मसाला सॉस से, सोया सॉस, इलाचा सॉस, हॉट सॉस, कोई भी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड ऑन करनी है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, जब हम कलनरी में हमने पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि ये बेसिक मैरिनेशन ये कहलाती है। सबसे पहले तो आपने बेसिक मैरिनेशन करनी, उसके बाद आप इसमें कितने ही फ्लेवर्स ऐड ऑन कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फ्लेवर और इनहेंस होगा, मज़ेदार सा होगा। तो यहाँ मैरिनेशन तैयार हो गई है और इसको हम करेंगे ग्रिल। लेकिन सबसे पहले हमारी स्पेगेटी बॉयल हो जाए, साथ साथ हमने करनी है कटिंग। और आप सोच रहे होंगे जी ये टमाटर यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि वाइट सॉस बन रही है तो वाइट सॉस में टमाटर का काम है। तो वाइट ये मैंने थोड़ा फॉर द पर्पस ऑफ प्लेटिंग के लिए मैंने लिया है, थोड़ा सा कलर ब्रेक करनी, क्योंकि वाइट वाइट सा होगा तो हमें कोई फ्लावर सा बना के इसका कोई डिफरेंट सा इसमें कटिंग करके कुछ इस तरह करके हम उसको सर्व करेंगे, इस वजह से मैंने इसको ऐड किया। आप इसमें फ्रेश पार्सले भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर बेसिल ऐड कर सकते हैं, रोजमेरी ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ जो है मैं अब इसको कैप्सिकम को कट कर शिमला मिर्च को कट करने वाली हूँ, तो इसको कट करते हैं, इसको हम थोड़ा रेस्ट टाइम देते हैं, उसके बाद हम इसमें मोर फ्लेवर्स ऐड करेंगे। चलिए जी यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। सबसे पहले कैप्सिकम काटने के मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हो सकता है कि इस वक्त मुझे कोई नया देख रहा होगा जिसने मेरी वो पुरानी रेसिपीज़ नहीं देखी होंगी, किसी ने मुझे चैनल स्विच करते करते अभी स्टॉप कर लिया हो, तो उन लोगों के लिए मैं उनको हर चीज़ बता सकूँ, सिखा सकूँ। और साथ साथ मैं जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है मंडे टू फ्राइडे 5 to 6 PM आता है और दोपहर में 12:20 पे रिपीट होता है 1 बजे तक। तो ये मेरी रिपीट टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, फ्रेश ऑन एयर टाइमिंग बता दी है। मंडे टू फ्राइडे आता है, 5 डेज अ वीक आता है, ठीक है। और कुकिंग विद शाहिना के नाम से जो मेरा प्रोग्राम है, आप YouTube पे जो मेरे लिंक्स वगैरह हैं बिफोर प्रोग्राम के जो मैं यहाँ कर चुकी हूँ, तो आपने क्या करना है, सिर्फ YouTube ऑन करनी है, कुकिंग विद चाइना वीनस लिखना है, मेरे सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये डेली अपलोड होते हैं, इसके लिंक्स तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग डेली इसे ऑन करके देखा करें, साथ साथ अपना कॉमेंट किया करें, फीडबैक दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, या आपने मेरी कोई रेसिपी ट्राई की है तो उसका भी फीडबैक दिया करें, क्योंकि मैं अपने कॉमेंट बॉक्स के जो कॉमेंट्स होते हैं वो मैं खुद रीड करती हूँ, ठीक है जी। तो आप लोग ज़रा अप्रिशिएट किया करें। और साथ साथ मेरा अपना पेज है शेफ़ शाहिना शुमाइल के नाम से, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, उसको फॉलो करके रखें। अच्छा जी यहाँ देखें इस तरह से मैं कट कर रही हूँ, ये जितना इसका पार्ट है ना ये वाला, ये सब डिसीडेड कर दें आप, इसको प्लेन कर दें, ठीक है। और इसके हम ऐसे फ्लैट पीसेस कर लेते हैं ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। ये आप इस तरह से करके इसको निकाल लें। चलें जी अब हम इसमें, आप चाहें तो इसमें जो है वो डायगनल कट कर सकते हैं, चाहे तो स्ट्रेट पैटर्न कट कर सकते हैं। ये देखें बस इस तरह से हम इसके जूलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है जी ये हमने जूलेंस निकाले, इसको भी इसी तरह से आपने स्ट्रेट पाथ निकाल लिया इसका। यहाँ से हम इसको, अच्छा स्पैगेटी को मैं चेक कर लूँ, ऐसा ना हो कि स्पैगेटी बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाए और मैं कटिंग में लग जाऊँ। तो स्पैगेटी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डनिंग पे है, मैं इसको चेक कर लूँ। और ये मैंने इसको बोर्ड पर निकाला, नहीं थोड़ी सी कसर है। अच्छा स्पैगेटी चेक करने का क्या तरीका होता है शायद मैं आपको ये चीज़ दिखा सकूं। ये जब आप बीच में से इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर आपको एक वाइट डॉट सा नज़र आएगा, अगर आपको एक भी वाइट डॉट सा नज़र आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी स्पैगेटी अभी टेंडर नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी मुझे इसमें वाइट डॉट नज़र आया था और उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी देर मज़ीद इसको हमें टेंडर करने में लगेगी, तो तकरीबन इसमें 1 से 2 मिनट मोर लगेगा तो ये फुली टेंडर हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको फिर स्ट्रेन करूँगी, वाले पीसेस मैं डिस्कार्ड ही कर दूं। चलें जी ये बस इस तरह से मैं इसको कट कर रही थी। ठीक है जी ये मैंने कट कर ली है,
चैलेंज कि कैप्सिकम तो हमारी कट हो गई है और साथ साथ मैं इसको भी स्ट्रेन कर रही हूँ। चलें जी, ये फुली डन हो गई है और मैं इसको अच्छा स्पैगेटी आपने जैसे ही आपने स्ट्रेन करनी है उसके बाद आपने ठंडा पानी जो होता है फ्रिज का जो पानी होता है वो ऐड करना है। यहाँ मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ और आप इस तरह से वॉश करके रख दें, इस तरह स्पैगेटी आपस में स्टिक नहीं होती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहिना और यहाँ मुझे बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जी जी नाम। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ग्रिल चिकन और साथ साथ हम सर्व करेंगे इसको वाइट सॉस। वाइट सॉस बनती है जब भी हम चिकन बनाते हैं, चिकन स्टेक बनाते हैं, हम उसके साथ सॉसेस बनाते हैं डिफरेंट। तो यहाँ मैं वाइट सॉस बना रही हूँ लेकिन आज मैंने एक चीज़ डिफरेंट करी है कि मैं वाइट सॉस के साथ जो है वो स्पैगेटी सर्व कर रही हूँ। स्पैगेटी जो है वो आपने देखा होगा कि चाउमीन में यूज़ होती है, बहुत सारे सूप्स में यूज़ होती है। तो आज हम इसको ग्रिल चिकन के साथ ये सर्व कर रहे हैं। तो ये मेरी अपनी ओन क्रिएट करी हुई रेसिपी है क्योंकि मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि आपको नई से नई चीज़ें, डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ें सिखाऊँ यहाँ पर। और आज बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश, ठीक है जी। यहाँ जो है मैंने क्रूसिबल किचन का डाईकास्ट का आयरन डाईकास्ट का जो ग्रिल पैन है वो मैंने यहाँ पर गरम करने रख दिया है। थोड़ी सा टाइम लगता है इसको गरम करने में, थोड़ी देर इसको गरम होने में लगती है। जब ये गरम हो जाता है उसके बाद ये परफेक्टली वर्क करता है। ग्रिल पैन की अगर मैं आपको बात बताऊं कि ग्रिल पैन जो ये है 2 से 3 दफ़ा अगर आप इसमें डीप फ्राइंग कर लेंगे उसके बाद इसकी जो टाइप होगी वो नॉन स्टिक हो जाएगी। अगर मैं आम नॉर्मल जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिक की बात करूं तो अंडर 1 ईयर ख़राब हो जाते हैं। ये 5 ईयर्स की इनकी तो वारंटी मिल रही है आपको क्रूसिबल किचन की तरफ से, साथ साथ इनका चल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ जाकर आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको इनकी ये बता दूँ कि इनके जो पैन्स हैं ये बहुत वेटेड होते हैं। अगर हम नॉर्मल उसकी बात करें नॉन स्टिक पैन की, तकरीबन वो अंडर ग्रिल पैन जो होता है उनका 1 kg का होता है, ये 2.7 kg का है, इट्स टू हैवी ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग को, करते हैं ग्रिलिंग। धुआं आप देख सकते हैं कि निकल रहा है। ग्रिलिंग करने के भी कुछ उसूल होते हैं। साथ साथ मैंने एक चीज़ ऐड करनी थी वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि हम कोई सा भी इसमें फ्लेवर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर टिक्के का फ्लेवर दे रही हूँ। ये टिक्का मसाला है मेरे पास 1 tablespoon, ठीक है। ये मैं इसका फ्लेवर दे रही हूँ। और आप लोगों ने इसको क्या करना है, जब बेसिक मैरिनेशन कर लें 10 मिनट्स बाद इसके अंदर कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं। और साथ साथ इसको फिर आपने मज़ीद 20 मिनट्स के लिए आपने रखना है इसको। चलें जी, मैं चिकन को मसाला लगा दिया है मैंने। थोड़ा सा हमने इसमें ये टिक्का मसाले का फ्लेवर दे दिया है। चाहे तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर लें लेकिन मैं फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। टू टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप डाइट करते हैं और उसके लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। साथ साथ टोंग ले लेंगे और चिकन का पीस उठाएंगे, थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे, ठीक है। इसकी हीट, इसके मार्क्स आते हैं जब हम ग्रिलिंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा तो ग्रिल पैन क्यों यूज़ किया जाता है, एक तो ये इसमें हम कम से कम ऑयल में अपनी डिश बना सकते हैं, एक तो ये बात होती है। दूसरा इसके जो परफेक्ट ग्रिलिंग जो मार्क्स होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इस वजह से जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। तो वो जब आएंगे जब आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है, तो मुझे हीट जो है यहाँ पर इतनी
महसूस नहीं हो रही है अभी ना, जैसे मुझे महसूस होगी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन जब तक हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं मैरिनेशन की, इसमें हम सही से लगा सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा सा काटूंगा यहाँ से। इसको थोड़ी देर आपने इसी तरह छोड़ना है, ठीक है? आपने इसको बार बार मूव नहीं करना, वरना इसके परफेक्ट ग्रिलिंग मार्क्स नहीं आएंगे। एक साइड करेंगे हम, फिर इसके दूसरी साइड करेंगे, ठीक है? और साथ साथ जो है मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके जो हैंडल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाते हैं, तो आप कोई किचन क्लोथ, किचन टावल या किचन ग्लव्स इस्तेमाल करें इसको, बर्तनों को इनके क्रूसिबल किचन के इस्तेमाल करते वक्त। मार्क्स जो होते हैं इसके थोड़ा सा 3 मिनट्स वन साइड करेंगे हम, उसके बाद इसको टर्न करेंगे, फिर 3 मिनट्स हम वन साइड करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वैक्सन कुकवेयर का जो हमारे पास जो वेबसाइट यहाँ पर माई स्क्रीन पे चल रही है www.vaccinecookware के नाम से, वहाँ जाकर आप एड टू कार्ड कर सकते हैं और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी फ्री डिलीवरी है। प्योर अल्मोनियम के हैवी गेज के इनके बर्तन हैं जो खाना लगने नहीं देते, जलने नहीं देते। और साथ साथ जो है वो आजकल जो रेसिपीज मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने थोड़ी डिफरेंट पे आ गए हैं, तो हम इस तरह करेंगे। अब मैं सोच रही थी कि हम थोड़ा सा ना मेन्यू बना लें, तो मेन्यू इस तरह का होगा कि 2 डेज हमने थोड़ा सा इस तरह के रेस्टोरेंट वाली रेसिपीज बना ली, और साथ साथ वन डे हमने क्या करा कि थोड़ा देसी बना लिया, कुछ देसी चिकन बना ली, कुछ बीफ बना लिया, और वन डे हम कोई वेजिटेबल रखें, और वन डे जो है हम कोई स्वीट डिश रखें, क्योंकि स्वीट डिश मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह अब मेरा ये है कि स्वीट डिशेस की तरफ मैं आऊँगी। अभी ग्रिलिंग मार्क्स नहीं आए, तो अब मेरा ये है कि हर वीक में मैं एक स्वीट डिश ज़रूर बनाऊँगी। थोड़ा सा बेकिंग की तरफ हम लेकर आएंगे प्रोग्राम को, और मैं आपको बेकिंग की जो रेसिपीज़ हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का, भी आपको पता है सीज़न है, स्ट्रॉबेरी शेक तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी स्ट्रॉबेरी डिलाइट हो गई, स्ट्रॉबेरी केक हो गया, तो अब हम ये वाली रेसिपीज़ भी लेकर आने वाले हैं। इंशाल्लाह आपने स्टे ट्यून्ड रहना है ताकि नई नई जो अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं वो आपको देखने को मिलती रहे, और साथ साथ दिया करें, देखें अपना फीडबैक दिया करें, मेरे अपने पेज पे भी जाकर दे सकते हैं, आप वीनस का भी पेज है फेसबुक, वहाँ जाकर भी दे सकते हैं कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और ये भी बता सकते हैं आप कि कौन सी रेसिपीज़ हम आगे यहाँ पर बनाएं जो आप लोगों की पसंदीदा रेसिपीज़ हैं। वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि तमाम कुजीनों की जो बेस्ट रेसिपीज़ होती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊं और वो रेसिपीज़ आप लोगों को मैं दूं। और बहुत दिन हो गए हमने स्किन केयर की कोई बात नहीं करी, स्किन रूटीन की कोई बात नहीं करी, तो स्किन केयर और स्किन रूटीन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जैसे अब गर्मियाँ आ गई, जब सर्दियाँ होती हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, हमें लोशन यूज़ करना है, कोई इस तरह का कोई कोल्ड क्रीम्स होती हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों में हम ये क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेट रखें, प्रॉपर मॉइस्चराइज़ करें। अपनी स्किन को आप किस तरह हाइड्रेट रख सकें, सबसे पहले तो आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन फ्रेश होगी, ग्लो करेगी, पिंपल्स नहीं होंगे आपको, एक्ने के मसाइल नहीं होंगे, तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं और वज़ू करा करें। 5 दफ़ा आप वज़ू करेंगे तो स्किन पे आपके ताज़ा फ्रेश पानी लगेगा, तो उससे भी स्किन बहुत ग्लो करती है। और दूसरा जो एलोवेरा वाले जो चीज़ें होती हैं, अगर हम बात करें मॉइस्चराइज़र की जो एलोवेरा वाले होते हैं, तो गर्मियों में आप उन मॉइस्चराइज़र की तरफ आया करें, लेकिन मॉइस्चराइज़र स्किप ना करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को जो है हेल्दी बनाते हैं, और हमारी स्किन को ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब जैसे मैं यहाँ पर चूल्हे के सामने खड़ी हूँ, थोड़ा सा इसको टर्न कर लेते हैं आप, ठीक है जी, ये आ गए जी ग्रिल मार्क्स।
चलेंगी। मैं आपको क्या बता रही थी कि हम जैसे चूल्हे के आगे खड़े होते हैं या हम धूप में निकल रहे होते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है, स्किन हमारी जो है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, तो हम अपना इतना ख्याल नहीं रख पाते। तो आप क्या कह रहे हैं, आप रात का टाइम जो होता है वो ठंडा ही होता है कराची की, तो अगर मैं बात करूँ तो रातें हमारी अच्छी होती हैं, ठंडी होती हैं, तो उसमें आप रात में आप फेस वॉश करके अच्छा सा एक छोटा सा लिटिल बिट आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लिया किसी भी ब्रांड का ले लें, लेकिन क्वालिटी उसकी देख के अच्छी, उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस पीछे लिखे हुए होते हैं सारे, वो सब पढ़ के आप लें, और फिर उसके बाद आप जो है ना एलोवेरा वाले जो होते हैं, कोकम्बर वाले जो होते हैं, वो वाले मॉइस्चराइज़र इस मौसम में बेस्ट रहते हैं, तो वो वाले आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आप सनस्क्रीन यूज़ करें, आप बाहर निकल रहे हैं आप सन ब्लॉक यूज़ करें, SPF 30 ले लें आप। अच्छा, सन ब्लॉक जो है ना बहुत सारे ऑयल बेस होते हैं और बहुत सारे वाटर बेस होते हैं, तो ये जो मौसम होता है इसमें आप वाटर बेस जो होते हैं सीरम्स अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप वाटर बेस यूज़ करें, ठीक है, ऑयल बेस नहीं करें, वो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इसमें स्किन इतनी कॉम्बिनेशन हो जाती है इस मौसम में, तो इसका ख्याल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसको टर्न करते हैं, इसके तो मास्क ही नहीं आया अभी। चलिए, इसको थोड़ा सा टाइम है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमें सॉस बनानी है, ठीक है, वाइट सॉस बनानी है। मैंने तो मैं वाइट सॉस की तरफ आ जाती हूँ और उसको बनाने उसकी बनाने की हम प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले जो ये क्रूसिबल किचन का डाई कास्ट का जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पर स्किलेट, ये मैं यूज़ करूँगी। गार्लिक मैं चॉप करूंगी, अनियन और कैप्सिकम मेरे पास चॉप्ड है, इसको देख लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा हम सेंटर में रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो बी केयरफुली, फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी ताकि सब तरफ फ्लेम। स्किलेट को मैंने गर्म करने रख दिया है, साथ साथ गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है। वाइट सॉस बना रहे हैं हम, इसके लिए मैं बटर रिक्वायर्ड है मुझे, बटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बटर में इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये पास्ता में भी आप ये सॉस यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है, ठीक है। गार्लिक है मेरे पास, गार्लिक मैं इसमें ऐड करूँगी, साथ साथ मैं इसके अंदर अनियंस ऐड करूंगी क्योंकि मुझे अनियंस और गार्लिक दोनों सौते करना है। अच्छा, अनियंस आप इसमें चॉप की हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है वो स्लाइस अनियन डाल रही हूँ। अनियंस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और चलें जी इसको हम कुक करेंगे। चलें जी इसको हम कुक करेंगे। यहाँ पर बटर है मेरे पास और गार्लिक है, लहसुन लिया है मैंने और प्याज ली है। प्याज मैंने स्मॉल साइज की मीडियम ली है, मीडियम की भी मैंने हाफ ही ली है। को हल्का सा हम सौते करेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी का ये सारा कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ ये मेरे पास मौजूद है जी कैप्सिकम, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ साथ जो है वो
जैसे ही ये होगा उसके बाद हम इसमें बाकी की चीजें भी, अब हम इसको फ्राई करें। इसको मैं सौते कर रही हूँ जब तक थोड़ा सा, जब तक टाइम बिगड़े, ब्रेक का आ गया, आपने कहीं नहीं जाना, मैं स्टोव को ऑफ कर रही हूँ और ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेरी वार्म वेलकम टू यू, आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहीना। और यहाँ पर मैंने सौते कर रही थी मैं प्याज को, कैप्सिकम को, इन सब को मैंने सौते कर लिया है। साथ साथ मैंने क्या करना है जी, इसके अंदर ऐड करनी है अपनी बाकी की चीज़ें। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये क्रश चिली, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से, मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 टी स्पून, जायफल, जावित्री, नटमेग एंड नटमैग, ऑरिगानो 1 टी स्पून। अच्छा जी, चिकन भी मुझे कुछ आ रही है कि ये हो गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं वरना ये ड्राई हो जाएगी। चलिए हम थे जी यहाँ, ये मिक्स करा हमने सारा, ठीक है, सारे मसाले मिक्स कर दिए। साथ साथ हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ये मिल्क, वाइट सॉस बन रही है। क्रश चिली मैंने थोड़ी सी ज़्यादा करी है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चैडर चीज़ है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा मज़ेदार सी चीज़ ही स्पेगेटी बनेगी है। अच्छा जी, यहाँ चैडर चीज़ ऐड कर दी है, इसको हम, सॉरी चैडर चीज़ ऐड नहीं करी, मिल्क ऐड किया है, इसको हमने मिक्स किया है और ये भी मैं निकाल लूँगी। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको प्याज और टमाटर को तकरीबन ग्रिल कर रही हूँ, ठीक है, टमाटर नहीं सॉरी, ये अलग से आप इसको सर्व कर सकते हैं। दैट्स इट, बस मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया है। पिंच ऑफ इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है, बस इतनी सी ही देर इसको करते हैं। इसको निकालेंगे हम प्लेट में, ये सर्विंग के लिए बड़ी अच्छी रहती है। चलें जी, अच्छा ये बहुत ज्यादा जो है वो हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें स्पेगेटी ऐड करेंगे इस सॉस में, ठीक है, ये स्पेगेटी हमने ऐड करी है, किस तरह से आप, क्योंकि सॉस बहुत ज्यादा फिर ड्राई हो जाती। ये देखें आप कितनी अच्छी परफेक्टली बॉईल हुई हुई है स्पेगेटी, कि बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रही है, स्टिक नहीं हो रही है, मिक्स तो हो रही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मैसी हो गया है, को मैं यहाँ से झटपट से हटा दूँ। चलिए जी, क्रीम है हमारे पास, फ्रेश क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने फ्रेश क्रीम ऐड करी है। चैडर चीज ऐड करेंगे हम इसके टॉप पर, ये बहुत हैवी होता है और बहुत ही मजेदार सा बनता है। मैंने हाफ पैक, हाफ पैकेट जो है तकरीबन मैंने इसके अंदर स्पैगेटी का लिया है, ठीक है,
ये चेडर चीज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। चलें जी स्टोव को हम ऑफ करेंगे। अच्छा जी यहाँ जो है वो ये बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है जी, इसकी सर्विंग करनी है सिज़लर की। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जी राउंड सिज़लर क्रूसिबल किचन का, इसकी वुडन की बेस होती है। और ये जो सिज़लर है, ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था आप इस चूल्हे पे रख कर भी इसको गर्म कर सकते हैं, और आप इसको गैस में भी, अवन में भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेट पे भी रख सकते हैं, हॉट प्लेट्स पे भी रख सकते हैं, इस तरह आप इसे कर सकते हैं। अच्छा दूसरा मैं आपको बता दूं, इसको इन बर्तनों को आपने गिरने से बचाना है, क्योंकि अगर ये गिर गए तो ये ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है इनको गिरने से बचाना है। सबसे पहले हमने इसको रखना है गर्म करने। अभी इस वक्त ये ठंडी है तो मैंने यूँ ही उठा लिया है हाथों से इस सिज़लर को, और अब मैं इसको, ये मैंने इसे गरम करने रख दिया है, ठीक है। 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट आप इसको गरम करेंगे। ये गरम होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, जब ये गरम हो जाता है उसके बाद जो है ये खाने को बिल्कुल जो है वो काफ़ी देर तक गरम रखता है। जैसे आपने देखा होगा 5-star होटल में जब वो सर्विंग कर रहे होते हैं सिज़लर्स में, तो वो किस तरह आपको गरम गरम मिल रहा होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, साथ साथ ये ग्रिल चिकन भी है मेरे पास, और ग्रिल चिकन मेरे पास मौजूद है, कुछ वेजिटेबल्स मौजूद हैं। टमाटर को मैंने इस तरह से कट कर लिया था, कोई भी फ्यूजन देने के लिए हम इस तरह से कट कर सकते हैं। थोड़ी सी चेडर चीज़ मैंने ऊपर टॉप गार्निशिंग के लिए इसमें रखी है, और असल जो हमारी जो ये वाइट सॉस, यही वाली जो सॉस मैंने आपको यहाँ पर बनानी सिखाई है, यही सॉस आप इसके चिकन के, ग्रिल चिकन के ऊपर डाल के आप खा सकते हैं। लेकिन मैंने आज इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया, मैंने इसके अंदर तो स्पेगेटी को इनरोल कर दिया, थोड़ा सा इसको परफेक्ट मील बना दिया एक, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं, और ये देखें धुआं इसमें से उठना शुरू हो गया, इट्स मीन कि ये हॉट हो रहा है। इसको आपने बड़े ही ध्यान के साथ, इस पर वुडन की इसकी बेस है, इस पर हम रखेंगे। चलिए जी अब हम इसे, ये गरम हो गई थी, हमने अब क्या करना है जी, ये हमारे पास जो स्पेगेटी है ये हम, ये देखें ये आपको आवाज आई, और आप ये देखें कि कितनी मजेदार सी ये चीजी स्पेगेटी बनी है। अब हम क्या करेंगे जी, ये मैंने इसमें रख दी है स्पेगेटी, और ये देखें ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगी। अगर आपकी सॉस ठंडी भी हो गई है, आपको बनाए हुए देर हो गई है, तो ये काफ़ी देर तक, ठीक है जी। एक चिकन हमने इसमें डाली है, साथ साथ ये फ्लावर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये ओवर लग रहा है, बस एक खूबसूरत लग रहा है। और हमने क्या करना है, थोड़ा सा चेडर चीज़ को इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, ताकि चिकन में थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाए, ठीक है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा, हम साइडों में डाल देंगे चीज़ को, और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर वेजिटेबल्स, ठीक है, इसकी साइड में। ठीक है, ये हमने इसको आज की रेसिपी को कंप्लीट किया है, बहुत मज़ेदार ये मील बना है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने हमारी इस रेसिपी को, और देना है अपना फीडबैक कि कैसी लगी आपको रेसिपी। और साथ साथ बैक्सिन कुकवेयर का, कुकवेयर की वेबसाइट विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इनकी लगती रहती हैं डील्स, तो आपने अवेल करनी है। और क्रूसिबल किचन की जो फेसबुक पेज है, इसे फॉलो करके रखें, ताकि इनके जो नए प्रोडक्ट्स आते रहें, नई चीज़ें आती रहें, सारी आपको पता चलती रहे। और आपने ज़रूर ऑर्डर करना है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है हमारी स्क्रीन पर। इसके साथ ही साथ टाइम हो गया है मेरे जाने का, तो मुझे और मेरी वीनस आईजी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।